गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो सुबह हो चुकी है। बाहर मौसम बारिश 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 वाला है मौसम, और उसी हिसाब से मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बारिश का वेट, रुकने का वेट नहीं, कभी रुक जाते हैं बादल आए हुए हैं यहाँ पे, कभी हो जाती है, कभी शुरू हो जाती है खुद ही, सारा दिन भी होती रहती है, कोई नहीं। तो सबसे मुझे तैयारी करनी चाहिए, ये मैंने अपना बंदोबस्त किया है, ठीक है, ये बांध दिया है मैंने, रैप कर दिया। जब भी मैं आपको बाहर का मौसम दिखा दूं, फिर चलते हैं बाइक की तरफ। ये हो जहाँ पे रात का, ये मौसम चेक करें आप। बादल आए हुए हैं, तो मैं बाहर बाइक की कंडीशन देखता हूँ क्या सीन है। इसको सीधा करके बाइक खड़ी है, अब इसको यहाँ पे सीधा करते हैं। चलिए मैं ज़रा इसको सामान शामान बांधता हूँ। है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज दूसरा दिन तकरीबन 7 बज रहे हैं तकरीबन, और मैं जो है मरी से जा रहा हूँ मुजफ़्फ़राबाद, और मुजफ़्फ़राबाद से पीर चनासी। मौसम बादल आए हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। मैंने उस हिसाब से अपनी तरतीब दी है, कुछ एमरजेंसी किट्स जो हैं वो जो बारिश में काम आती हैं वो मैंने बैग में नहीं रखी, वो पीछे मैंने छोटे लिफाफे में डाल के, तो ठीक है, तो बारिश का सीन बनेगा तो उसको वो पहनना पड़ेगा वो बारिश, ठीक है। तो सामान मैंने रैप करके अच्छे तरीके से पीछे बांध दिया है डबल, तो मसला नहीं। अरे यार एप्पल कितने अच्छे पड़े हैं। हमने तो दो लेने हैं, बस गुजारा हो जाएगा। किस रहे हैं एप्पल? 100 रुपये? 100 रुपये? 150? अच्छा ये ले लें, फ्रेश हैं, आधा किलो कर दें। यहाँ से पानी नहीं मिलेगा पीने वाला? बोतल भरनी है, है? सही डालना भाई। यहाँ से पानी कहाँ से भरा? आगे से, आगे से भाई।
इसको हम ये देखो लूज तो नहीं हुआ मेरे साथ, अबे ठहर जा, इसको हम इधर ही लटका लेते हैं मेरे हिसाब से, रास्ते में खाल खोलेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं और जिस जानिब मेरी बाइक का रुख है, ये रास्ता मुजफ्फराबाद शहर के अंदर से एक सड़क ऊपर की जानिब जाती है जिसे पीर चनासी के नाम से जाना जाता है। मैं इस जगह के बारे में बिल्कुल लाइलम था, मुझे इस जगह के बारे में मालूम नहीं था। ये मार्च अप्रैल की शायद बात होगी कि एक रात में सोया और मुझे ख्वाब में एक मज़ार शरीफ चोटी के ऊपर नज़र आया, सब्ज़ गुंबद नुमा। मैं क्या देखता हूँ कि मैं मज़ार शरीफ के अंदर जा रहा हूँ। मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं शेयर कर सकता, सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि मैं जब मज़ार शरीफ के अंदर पहुंचता हूं तो मुझे
दो से तीन दफ़ा एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है जिसे पीर चनासी। तो मेरी आंख खुलती है, दो तीन का टाइम होगा, तो फौरन मैंने अपने पास पड़ा मोबाइल उठाया और सर्च किया कि ये पीर चनासी क्या है। तो मेरे सामने एक सब्ज़ गुम्बद नुमा पहाड़ की चोटी पर एक मज़ार शरीफ नज़र आया और उसकी डिटेल कि ये मुजफ़राबाद में वाकया पीर चनासी नाम की जगह है, ये यहाँ पर वाकया है। तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने काफ़ी सर्च किया इसके बारे में, रास्ता ये वो सब कुछ। तो उस दिन मैंने तहैया किया कि मैं इस जगह पर ज़रूर जाऊंगा। और एक वो ख्वाब था जिसकी ताबीर के लिए शायद, या बस मुझे बुज़ुर्गों ने बुलाया होगा या इस तरह का कुछ। बहरहाल मैंने तहैया कर लिया कि मैं यहाँ पर ज़रूर जाऊंगा और आज मेरा सफ़र ये जो पीर चनासी की तरफ है उसी मकसद के लिए है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी मकसद था, मैं नहीं जानता, मुझे ख्वाब आना, उसकी मज़ार शरीफ नज़र आना और मेरे कानों में पीर चनासी की आवाज़ गूंजना, इसके पीछे क्या है। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ था मैं एक दफ़ा इस मज़ार शरीफ पर ज़रूर हाज़िरी देता। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ी मुश्किल से मैं पीर चनासी ये दरबार शरीफ में ने हाज़िरी दी है। आपको पता चल जाओ क्या होगा कि यहाँ पे मज़ार शरीफ में मेरे आने का मकसद क्या था। तो बहुत हाइट पे है मेरा, नहीं ये बहुत हाइट पे है यार ये। तो दरबार शरीफ में मैंने हाज़िरी दे दी है, दरबार शरीफ
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रौनक काफ़ी है। यहाँ पे बहुत हाइट है।